12 अगस्त के बाद से चलेगी कुछ और नई ट्रेन और रेलवे ने इसकी लिस्ट भी जारी की है। इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे 12 अगस्त के बाद से कौन कौन सी ट्रेन चल सकती है और उसको हम अपडेट करेंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे रेलवे का सारा न्यूज अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहे। 12 अगस्त के बाद कुछ और ट्रेनें रेलवे चलाने की तैयारी में जुट गया है और इन रेलगाड़ियों को मिल सकती है मंजूरी। कोविड स्पेशल ट्रेन चल रही है और 12 अगस्त के बाद कुछ और ट्रेनें चलेंगी। फिलहाल 5 ट्रेन के अलावे वाराणसी से विभिन्न रूटों पर बंद चल रही ट्रेन चल सकती है, जिनमें वाराणसी से ग्वालियर के बीच चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, वाराणसी से राजस्थान को चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही कुछ पैसेंजर ट्रेनों को भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी भी संशय बना हुआ है और आपको हम अभी भी बता देते हैं कि रेलवे जल्द इस पर लिस्ट जारी करेगी जिसमें कुछ और ट्रेनें भी चलेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर रेलवे ने नहीं दिया है। हालांकि लिस्ट तैयार किया जा रहा है और आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेनों को लेकर के चेयर कार की तरह ही आरक्षण दिया जाएगा, ताकि 15 रुपये अतिरिक्त आरक्षण शुल्क लेकर प्रत्येक यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए सीट मिल सके। इनके संचालन के लिए मंडल रेल प्रशासन तैयार है और बोर्ड से अनुमति मिलते ही इस ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड में भी मंथन किया जा रहा है और कोरोना महामारी के चलते रेलवे ने 23 मार्च से ही ट्रेनों का संचालन बंद कर रखा था। आपको ज्ञात हो कि हमने आपको बताया था और अपडेट किया था कि आखिर रेलवे कौन कौन से रूटों पर स्पेशल ट्रेन चला रही है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। यात्री को राहत देने के लिए देश भर में 12 मई से अप और डाउन की 14 राजधानी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे ने शुरू किया। इसी बीच वाराणसी से ये 5 ट्रेनें ऑरिजिनेट वो टर्मिनेट हो रही है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पासिंग ट्रेनें भी शामिल है। आने वाले कुछ दिनों में इस रूट होकर और भी ट्रेनें चल सकती है और इसको लेकर के 12 अगस्त से पहले गाइडलाइन जारी होगी, वो भी आपको हम अपडेट करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।